हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? कुछ दिनों से जो है कुछ वीडियोस मैं नहीं बना पाया, थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से वीडियोस नहीं बन पाई। तो इसी बीच में जो है एक बात ये हुई कि मैंने एक गाड़ी खरीदी। वो गाड़ी कौन सी है, मैंने कहाँ से खरीदी है, इसकी जो बात है हम जो है आने वाले वीडियोस में करें। मैं वही गाड़ी में अभी इस वक्त चला रहा हूँ, तो आप भी जो है वो गेस कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जो भी आपको अभी समझ में आ रहा है उससे ट्राई कर सकते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है। आप गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जो गाड़ी मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ मुझे कौन सी है। मैंने कहाँ से ली, कैसे ली, क्यों ली, ये सारी बातें भी करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, और भी जानकारी इसके बारे में शेयर करूँगा। क्योंकि जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, नई लें पुरानी लें, उसका एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस के थ्रू मैं गुजरा हूँ पिछले कुछ हफ्तों में, तो मैं अपना एक्सपीरियंसेस मैं अपने के साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि उससे आपको कोई हेल्प मिल सके, उससे आपको कोई जानकारी मिल सके, वो आपके काम की हो। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोज हैं ऐसी उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप कोई जानकारी मिस ना करें। तो आज जो है वो मैं जा रहा हूँ, इस गाड़ी के सीट कवर जो है वो लगवाने हैं, तो उसका जो है देखेंगे आप कौन से सीट कवर है वो लगवाने हैं। आपको पता ही होगा, जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोज देखी उनको पता होगा मेरे पास एक इससे पहले गाड़ी कौन सी है, अभी भी है मेरे पास वो, उसको अभी सेल आउट करना है, धीरे धीरे उसका प्रोसेस भी चल रहा है। उसको जो है मैंने लगभग 12 साल चलाया है और 1,32,000 किलोमीटर के करीब उस गाड़ी को चलाया है, तो काफ़ी अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस है उसको चलाने का, ड्राइविंग का आप इससे जान सकते हैं, और सिंगल हैंडली चलाया है। तो दोस्तों, सीट कवर का मुद्दा ऐसा है कि इस गाड़ी की जो प्रेजेंट सीट है ये सफिशेंट है, मतलब कंफर्टेबल है, मुझे इसमें कोई किस तरह के इन्हांसमेंट की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा कहीं पे पैडिंग करवाने की जरूरत है किसी भी तरह से। इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी सफिशेंट है, किसी भी तरह से मुझे सीट ये है इसमें किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। फिर भी लेकिन इसकी जो सीट है अभी लगी हुई वो उसका जो कवर है फैब्रिक में है, नीचे फोम है, तो कुछ ही दिनों में मैंने देखा है कि जो है धूल मिट्टी है उसमें थोड़ी थोड़ी आने लगी। चाहे आप एसी चलाकर हमेशा गाड़ी चलाते हैं तो वो मसला जो है धूल मिट्टी का वो हो जाता है, तो इसलिए सीट कवर की मुझे जरूरत महसूस हो रही है, अदरवाइज़ कोई मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और समय के साथ ये भी हो जाता है कि जो सीट है वो किसी न किसी वजह से आपके बच्चे भी ट्रैवल करते हैं साथ में तो वो गंदी होने लगती हैं। अब जो ओरिजिनल सीट होती है उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सीट कवर आप एक एडिशनली आपको हेल्प करता है, उसको थोड़ा इजीली साफ़ किया जा सकता है, तो यही एक कारण है। दूसरा जो होता है कि आजकल सीट जैसे दो तरह की आती है, एक तो नॉर्मल सीट आती है, एक बकेट वाली आती है, बकेट सीट उसको बोला जाता है जिसमें एक्स्ट्रा पैडिंग वगैरह दी जाती है साइड में, थाई सपोर्ट काफ़ी आपकी वो बढ़िया कर दी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सीट कवर जब आप बैठते हैं उनके ऊपर बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन अगर आप उसमें जो नॉन फैब्रिक में अगर बनवाते हैं तो वो आपको गाड़ी में जो मुझे लगता है कि जहाँ मैंने जहाँ पे किसी गाड़ी में बैठकर देखा है, एसी के चलने के बावजूद भी कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा ना पसीना आना शुरू हो जाता है पीछे वो, क्योंकि आपको एक सोफे की तरह वो काफ़ी हद तक पीछे से कवर करके रखती हैं, तो इसलिए मैं वो पर्सनली उस तरह की सीट से सीट कवर को प्रेफर नहीं करता हूँ, तो मैं प्लेन सिंपल वाले सीट कवर ही प्रेफर करूँगा। पहले भी मेरी गाड़ी में वैसे ही थे, उनको थोड़ा सा मेंटेन करना भी थोड़ा इजी रहता है, झंझट नहीं होता, तो इसलिए पहली चॉइस है कि सिंपल सीट कवर मैं डलवाने वाला हूँ। अब सीट कवर को लेकर जो अगला पॉइंट वो ये है कि वो रेडीमेड वाले लगवाने हैं, मार्केट में बड़े आसानी से मिल रहे हैं, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे में वो सीट कवर फिट कर देंगे, उसका रेट भी पता किया है, वो भी जेन्युइन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं उनकी स्टिचिंग करवाऊँ सीट कवर्स की, ये दो ऑप्शंस हैं, तो ये आपको मैं थोड़ी देर में वीडियो में आगे बताऊंगा कि अब मैंने जहाँ तो मैं रेडीमेड डलवाने जा रहा हूँ वो भी थोड़ा एक्सप्लोर मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, थोड़ा और करूँगा कि वो लगवाना चाहिए जहाँ फिर मैं स्टिचिंग करवाऊँगा,
तो वो जो है आपको वीडियो में थोड़ी देर में आगे चल के पता चल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने गेस कर लिया है कि ये जो गाड़ी कौन सी है, तो बहुत बढ़िया बात है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, अगर आपने गेस किया है आप सोच सकते हैं कि वो गेस ठीक है या नहीं है। वो हिंट ये है कि जो गाड़ी है ये अपना नाम खुद बोलकर बताती है जब इसको स्टार्ट करते हैं या फिर जब चलती है। दोस्तों अगर बात करें मटेरियल की, तो जो सीट कवर ज़्यादातर होते हैं वो उनमें दो तरह का टेक्सचर होता है। एक फैब्रिक होता है, फैब्रिक में भी कई तरह का आगे आ जाता है। फैब्रिक आपका नॉर्मल होता है, सोफे में जैसे हम सोफा घर पे बनाते हैं उसमें कई तरह के फैब्रिक आते हैं वो रहता है। और दूसरा जो पॉपुलर रहता है वो जो आर्टिफिशियल लेदर रहता है, जिसको रेक्साइन या रेक्सिन भी कहते हैं, कई कुछ बोलते हैं हम। तो मेरी जो प्रेफरेंस जो रहेगी वो आर्टिफिशियल लेदर की रहेगी, क्योंकि अब जो फैब्रिक वाले सीट कवर है उनकी भी प्रॉब्लम वही है जो अभी इस सीट इसमें लगी हुई है, कि उनमें भी जो धूल मिट्टी है वो धीरे धीरे जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। फिर आप चाहे वैक्यूम करवाते रहो, कुछ भी करवाते रहो, तो बहुत मुश्किल होता है उनको साफ़ करना। अब जो आर्टिफिशियल लेदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो वो रहती है कि आप जब गाड़ी धूप में खड़ी रहती है तो सीट जो है काफ़ी गर्म हो जाती है कई बार, तो वो एक उसका नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं अगर आप देखूं तो मेरी जो पहली गाड़ी है उसमें वही वाले आर्टिफिशियल लेदर है, वो वाले लगे हुए हैं सीट कवर, तो मेरी प्रेफरेंस फिर भी वही ही है, जबकि उसमें जो गर्मी वाली समस्या है। लेकिन जब आपकी गाड़ी में एसी चलता है वो ठंडी हो जाती है, फिर आपको वो उतना परेशान जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें बकेट वाली सीट लगवाई है तो हो सकता है कि आपको जो है पीछे या साइड पे थोड़ी बहुत जो है वो गर्मी महसूस हो, पसीना आए, या फिर आपको जो एसी की ज़रूरत है वो जल्दी पड़ जाए। अभी दुकान पर जाकर देखते हैं कि रेडीमेड में जो है वो क्या मिल रहा है। अब बात आती है कलर्स वगैरह की, है ना। तो सीट के जो कलर है इस गाड़ी का, जो इंटीरियर है वो, जो इसका जो डैशबोर्ड वगैरह है जो वो ड्यूल टोन है। सीट्स भी हैं उसी तरह से मैच करने की कोशिश करेगी, आप देख सकते हैं इसमें दो कलर हैं। तो मैं उसी थीम को जो है लगभग मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू करूँ, कोई भड़कीले से लाल पीले जो कलर होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ऐसी जगह पर उनको यूज़ करना। तो इसको डिसेंट कलर्स जो होंगे, जो गाड़ी का जो इंटीरियर है उसके साथ जो है वो कंप्लीमेंट उसको करें, उसके साथ जो जहाँ फिर मैचिंग में बिल्कुल मिल जाए, जो इसका डैशबोर्ड है उसके आसपास भी मिल जाए, तो मैं उसके तरफ वो जाना प्रेफर करूँगा। ये चॉइस आपको जो है स्टिचिंग में बहुत मिल जाती है। स्टिचिंग में एक और एडवांटेज होती है कि आप डिज़ाइन है जो उसमें मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। रेडीमेड में अगर कॉमन गाड़ी है आपकी, ऐसी गाड़ी है जो कि आम बहुत ज़्यादा चलती है, तो बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। कई बार नई गाड़ी को डिज़ाइन उतने नहीं मिल पाते हैं, स्टिचिंग में ऐसा नहीं होता। स्टिचिंग में आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वो डिज़ाइन आप बनवा सकते हैं। मान लो आपने कलर सिलेक्शन कर ली अपनी चॉइस के हिसाब से, जैसे कलर सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसके बाद जो सीट का डिज़ाइन होता है उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा जो कलर है, एक लाइट और डार्क का ज़्यादातर कम्बिनेशन होता है। अगर आप दो कलर लेते हैं तो कुछ हिस्से सीट के होते हैं वहाँ पे जो है वो ज़्यादा गंदे होते हैं। मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है पहली कार का, उससे यही है कि कुछ हिस्सों पे हाथ ज़्यादा लगते हैं, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा वहाँ टच करते हैं अगर, तो उन हिस्सों पे जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि डार्क कलर है जो वो लगवाऊँ। जो अगर मैं लाइट कलर उसका कंट्रास्ट लेता हूँ तो वो जो है मैं ऐसी जगह पर लगवाऊँगा जो मैं पुराने एक्सपीरियंस हिसाब से मैंने देखा है कि वो कम एरिया जो है वो गंदा होता है। तो हम जो है शॉप के आसपास पहुँच गए हैं, तो यहाँ क्या होता है शॉप में मैं अगर तो इजाज़त मिल गई तो थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो बाहर आकर आपको बाद में फाइनल करके बताऊँगा कि जो है क्या बातचीत हुई है, क्या हुआ है। यहाँ शॉप पर इनके पास काफ़ी जो है कलर वैरायटी है,
मटेरियल भी डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ये वाला जो मटेरियल है आर्टिफिशियल लेदर वो जो है सेलेक्ट किया है। कलर्स काफ़ी हैं, जो चाहे वो हम जैसा डिज़ाइन चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन इसको जो मैं गाड़ी के साथ जो है मैच कर कर देखता हूँ एक बार। तो मेरा इरादा ये है कि एक जो सीट में कलर डाला जाए, जो दरवाज़ों के ऊपर जो कलर है वो, और साथ में जो उसी दरवाजे पे जो आर्मरेस्ट लगी हुई है उस पे कलर है। तो ये जो दो कलर हैं मैं इनके आसपास जो है सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ये कलर है ये थोड़ा काफ़ी पास में है, आर्मरेस्ट के पास का जो कलर है उसके हिसाब से लग रहा है। कुछ और देखते हैं, तो बाकी कलर काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी दूर हैं। तो ये थोड़ा लाइट है, नहीं बात बन रही। तो यही जो 13 नंबर कलर यहाँ पे है वो वाला, और दूसरा जो 1 नंबर कलर है वो समझ में आ रहा है, जो थोड़ा फटा हुआ है। यहाँ पे डिज़ाइन है काफ़ी सारे इनके पास, आप इन ये जो डिज़ाइन है इनमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि दो डिज़ाइन को मिक्स कर लें जो प्रैक्टिकली हो सके। तो उसी तरह का कुछ जो है करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लो जी दोस्तों, डिज़ाइन फाइनल हो गया है, कलर फाइनल हो गया है, और ये भी एग्रीमेंट हो गया है कि जो एग्जिस्टिंग सीट है इसको कोई काटा पिटी नहीं होगी, बस जो है इसके ऊपरी सीट कवर लगाए जाएंगे स्टिच करके। जैसे मैंने आपको बताया था, कलर आप जो है वो देख ही चुके हैं। मैं जो इसके डोर में जो है वो एक आर्म रेस्ट आती है जो फैब्रिक की है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो लेकिन वो उसके और जो दरवाजे का, जो दरवाजे पे प्लास्टिक लगी हुई है उसका, इन दोनों के कलर के मिक्स जो है उसके ऊपर मैं जो सीट कवर के कलर्स हैं वो मैंने उसमें डिसाइड किए हैं। आज हम वापस इसलिए जा रहे हैं, सीट कवर डलवा इसलिए नहीं रहे हैं कि जो शॉप है उसके ऊपर ऑलरेडी 3 गाड़ियां लगी हुई हैं जिन पे सीट कवर डल रहे हैं। सीट कवर है और साथ साथ में इनकी सिलाई होगी, चेक होगा, और बाद में जो है उस पे साथ साथ में डलेंगे। तो इसको लगभग जो है पूरा दिन लग जाएगा इसमें सीट कवर डलने के लिए, इसी वजह से इस बाद में आएंगे, सुबह जल्दी आएंगे, जब जो शॉप खुलेगी उसी टाइम पे आकर जो गाड़ी है पूरा दिन जो है यहाँ छोड़नी पड़ेगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इनके जो है ड्राइवर सीट है उसके ऊपर कवर डलवा लूँ, और बाकी जो सीट हैं जो खोल के अपने पास रख लेंगे उन पर कवर डाल देंगे, देख लेंगे पूरी अच्छे से, और बाद में मैं आकर फिटिंग करवा लूँगा। तो जो सीट कवर हैं जो ऐसे नहीं डल रहे हैं कि जी आप गाड़ी में गए और वो रेडीमेड की तरह आप डाल लिया, उसमें फिटिंग सही सलामत आ जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरी पहली गाड़ी है उसमें जो सीट कवर डले हैं उनमें फिटिंग ठीक ठाक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, जब दोबारा आएंगे सीट कवर लगवाने उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर गुजारिश करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे भी आप अपलोड हों आपको उसके बारे में पता चल सके। साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप जो वीडियो जल्दी देख पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।